राइट करें पीछे या दिखा के राइट साइड से देखें, बैक साइड से भी सेकंड ब्रेक नीचे करें अपडेट कर सकते हैं ऐसे चल ब्रेक क्लच प्रेस करें पहले गियर में क्लच ऐसा ऐसा फ्रीज है रेस कम रखे ना रेस कम रेस है और रेस दूसरा गेयर क्लच घुमा पूरा प्रेस कर चल गेयर कैसे लगाना है क्लच पूरा दबा कर रेस छोड़ कर आना है ठीक है क्लच पूरा प्रेस करके रेस छोड़ कर ठीक है राइट साइड चैनल में आगे से राइट टर्न कर लेफ्ट साइड से देखते हैं अभी पहले गियर नहीं जाना गाड़ी चल रही है राइट साइड का इशारा लगाया तो राइट साइड टर्न कर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं राइट साइड क्लच पूरा प्रेस करें ब्रेक करके पहले गियर लगे यहाँ से नीचे टर्न करें क्लच फुल प्रेस करें रेस छोड़ दें ब्रेक करके ऐसे गाड़ी की बॉडी सीधी हो गई है ना साथ में स्टेयरिंग सीधा करना है ठीक है जल्दी जल्दी क्योंकि टायर सीधे होगी तो गाड़ी चलेगी खैर वो पीछे वाले की फिक्र छोड़ दे इंडिकेटर मार के आपने आगे देखना था ना आगे इस साइड रेड थी यहाँ पे ट्रैक्टर था आपने अपने आप को पहले देखा वो पीछे वाला उसको छोड़ टच फुल प्रेस करें ब्रेक लगे ब्रेक रखनी है रेस पे पाँव नहीं रखना ब्रेक रखनी है ताकि गाड़ी जंप आराम से करे रेस है क्लच फ्री करें ऐसे ऐसे रेस है दूसरा गेम टच फुल प्रेस करें रेस आगे से लेफ्ट टर्न करेंगे इशारा करें दूर से ही आपने इशारा लगाना है ठीक है यहाँ पे भी आपने टर्न करना है लेफ्ट करना है राइट करना है तो दूर से ही इशारा लगाएंगे ताकि पीछे वाली जो गाड़ी आ रही है उसको पता चले आपने किस साइड टर्न करना है ठीक है क्योंकि बाद अगर ऐसा होता है आपने राइट को टर्न करना होता है फिर आप लेफ्ट हो जाते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है ठीक है पीछे से आके गाड़ी आपको मार सकती है क्योंकि आपने लगाया हुआ राइट का इशारा फिर एकदम अब आप थोड़ा सा उधर हो ठीक है फिर पीछे वाली गाड़ी ने लेफ्ट अगर टर्न करना फिर एकदम आप लेफ्ट कर लें एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसलिए आपने दूर से इशारा लगाना है आपको पता हो आपने किधर जाना है तो आप इशारा लगे इशारा आप बंद करें ना राइट साइड पे देखें मिरर से देखें फायर ना देखें वहाँ से नजर नहीं आएगी मिरर से क्लच फुल प्रेस करें ब्रेक रखें ब्रेक पहले गियर लगाएं रेस है और रेस है दूसरा गियर क्लच फुल प्रेस गियर वगैरह आप ठीक लगाते हैं बाकी अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस होगी ना तो एक चलेगा ठीक हो जाएगा गाड़ी आपकी अपनी है ब्रेक हल्की सी रखें पहला गेयर लगाएं न्यूट्रल है ये गाड़ी ब्रेक पे पावर चले रेस छोड़ दें आप ताकि गाड़ी आराम से जाए दूसरा गेयर लगे क्लच प्रेस करें रेस छोड़ आराम से क्लच आहिस्ता आहिस्ता एकदम से रेस नहीं छोड़नी जब आप गेयर लगाने लगे हो ना रेस को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है तो साथ में आहिस्ता आहिस्ता क्लच को प्रेस कर रहे हैं ठीक है उसके बाद ये नहीं है कि रेस छोड़ के एकदम से क्लच प्रेस करेंगे वो गाड़ी झटका मारती है ठीक है आराम आराम दोनों को बैलेंस रखना है रेस से
हल्की सी भी गाड़ी लेफ्ट राइट टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड से देखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से सही नज़र ना आए बैक साइड से देखेंगे, राइट जा रही है गाड़ी राइट से पहले देखना है, ठीक है, सामने भी नज़र रखनी है, चारों तरफ आपने नज़र रखनी है, ठीक है, आगे जाना है, आगे से लेफ्ट टर्न करना है, इशारा लगाएं ब्रेक से, थोड़ी सी गाड़ी आगे जाए, स्लो करें, पहला गियर लगा लें, चलिए ब्रेक है थोड़ी सी, थोड़ी सी अपनी लाइन में रहकर कट करनी है, ऐसा ऐसा रेस कम करें, मोड़ काटते वक्त रेस ज़्यादा नहीं रखें, ठीक है, क्लच को रात प्रेस करें, रेस छोड़ें, पहला गियर ही है, रेस रखें, रेस दें, रेस दें, रेस रेस दें, रेस छोड़, गाड़ी के साउंड से महसूस करें ना कौन सा गियर लगा, अब पहला था फिर आपने न्यूट्रल करके पहला लगा दिया, मैंने कहा था कि दूसरा था, नहीं नहीं रेस है, इंडिकेटर बंद, अभी तो बारिश हो रही है ना, तो जब बारिश हो रही हो आपने गाड़ी को हमेशा स्लो चलाना है, ठीक है, ताकि एक तो स्लिपिंग होती है, राइट का इशारा है राइट साइड से देख कर, ठीक है, सामने रोड पे एक तो स्लिपिंग होती है और उल्टा दूसरा जो होता है रोड वगैरह पे खड़े होते हैं, अब ये देखें यहाँ पे पानी होगा आपको नज़र नहीं आएगा खड्डे भी हैं या नहीं है, वो फिर गाड़ी लग जाती है अंदर अंदर चली जाती है, ठीक है, वो फिर एक्सीडेंट होता है, गाड़ी की चीज़ें टूट, इसलिए आपने हमेशा स्लो करनी है, इंडिकेटर बंद करें, स्लो स्लो से आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आप गाड़ी स्लो चलाएंगे, ठीक है, एक्सीडेंट से भी होने से ही बचेंगे, गाड़ी स्लिप भी नहीं होगी, ठीक है, दूसरा ये है कि आप खुदा ना खास्ता अगर कोई खड्डे वगैरह है या ऐसा कोई जंप है जहाँ पर पानी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो वो वहाँ से आप आराम से गुजरेंगे, आपका इतना ज़्यादा नुकसान या आप बच सकते हैं, आप अगर स्पीड में होंगे तो आप बच नहीं सकते, ठीक है, इसलिए एहतियात करें, ठीक हो गया, स्लो करें, स्लो हो गई है गाड़ी, अब पहला गियर लगाएं, बार बार छोड़नी छोड़नी फिर प्रेस करनी फिर छोड़ देना, इस तरह नहीं करना, आराम आराम, चलिए हल्की सी रेस लीजिए ताकि जंप गाड़ी जो है आराम से जंप करे, उसके बाद आप गाड़ी को छोड़ें, थोड़ी सी और रेस है और आप दूसरा गियर लगाएं, क्लच प्रेस करें, रेस छोड़ दें, क्लच आराम से फ्री करें ना, एकदम से क्लच को नहीं फ्री करें, ऐसा ऐसा आप रेस को प्रेस करते हैं तो क्लच आगे आगे इधर रखे ना, गाड़ी फुटपाथ पे नहीं चढ़ानी, दूसरा गियर में क्लच प्रेस कर, स्लो कर, गाड़ी स्लो हो जाए तब पहला गियर, चलती गाड़ी को कभी भी पहला गियर नहीं करना, ठीक है, गाड़ी स्पीड में होती है, गाड़ी स्पीड में होगी, अब देखें आप स्पीड में चला रहे थे तो एकदम से आप पहले गियर में उसको लेंगे तो गाड़ी एकदम से स्लो होगी, ठीक है, तो गाड़ी बिल्कुल स्लो हो पहला गियर लें, चलती गाड़ी को पहला गियर नहीं लगाना, ठीक हो, पहला गियर लगाएं, जल्दी से चढ़ाइए गाड़ी, पीछे न जाए, रेस कम रखें, राइट का इशारा लगाएं, लेफ्ट साइड से देखें, रेस कम करें, लेफ्ट से भी देखकर राइट से भी देखकर ताकि लेफ्ट से गाड़ियां आ रही होती हैं, रेस कम करें, सामने से भी गाड़ी आ रही होती है, ठीक है, दो तीन सेकंड आपने रुकना है, उसके बाद चलना है, रुकना क्यों है, आपने लेफ्ट साइड भी देखना है अपनी, ठीक है, राइट साइड भी देखना है, आगे भी देखना है, गाड़ी तो नहीं आ रही, ठीक है, फिर आपने अपनी गाड़ी को टर्न करना है, ठीक है, लगाना है ना, जब आप थोड़ा सा और गाड़ी को चलाएं, आप आराम से आराम से आराम, चल इंडिकेटर बंद करें, थोड़ी सी रेस है,
जब आप थोड़ी सी रेंज देते हैं गाड़ियाँ ऐसा ऐसा आवाज़ करती है, वो गेयर मारती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्पीड ना रखें। स्लो ब्रेक भी बताया था बारिश में, आपने गाड़ी को स्लो चलाना। जाने दें, तीसरे पे ले गए हैं गियर, तीसरा ले, अब जंप आ गया है, स्लो करें, ब्रेक रखें, क्लच पूरा प्रेस करें, क्लच, पहला गियर लगाए ना, गाड़ी बिल्कुल स्लो हो गई, अब पहले गियर से स्टार्ट देना है। खड़ा नहीं होता तो फिर दूसरा जो लगा सकते हैं। हाँ, गाड़ी जब चल रही होती है बिल्कुल, यानी कि स्पीड में हो आप तीसरे पे, दूसरे पे नहीं, जब स्पीड उसकी कम, राइट साइड से स्पीड कम हो जाए ना, उसके बाद आप गियर डाउन करते हैं, ठीक है, लाइट का इशारा लगाएं, नहीं सीधा क्या करते हैं, बल्कि सीधा जाने दें, सीधा बंद करें इंडिकेटर, हाईवे पे चले जाते हैं, हाईवे पे गए थे, हाईवे पे गए थे तब कल नहीं था, हाईवे वो वाला हाईवे नहीं है, वो तो आम रोड है। अच्छा, दूसरा गेम वो तो अच्छा नहीं गए, वो तो नॉर्मल रोड है, हाईवे ये मेन रोड होता है ना। क्लच प्रेस करें, ब्रेक रखें, पहला गेम लगे, ब्रेक 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 चले, रेस कम करें, क्लच आराम आराम से फ्री करें, सामने सामने सीधा, हाँ दूसरा गेयर लगाएं, क्लच प्रेस करके रेस छोड़ो, फिर हाईवे पे है हमेशा आपने स्टेयरिंग को ज़्यादा कट नहीं करना, ठीक है, गाड़ी स्पीड में होती है बिल्कुल, अगर लेफ्ट आपकी गाड़ी हो रही है आपको अंदाज़ा हो जाता है गाड़ी मेरी लेफ्ट को ज़्यादा जा रही है, ठीक है, आपने बिल्कुल अपनी जो लाइन है, नहीं नहीं दूसरे भी जाने दें, अभी बिल्कुल स्लो नहीं हुई, दूसरे पे आपकी गाड़ी जा सके, तो आपने हमेशा अपनी लाइन के दरमियान में रखनी है गाड़ी, ठीक है, राइट साइड से देखें, फिर पहला गेयर लगाएं, थोड़ा सा राइट साइड से कट करें, थोड़ा सा उधर से देखें गाड़ी आ रही है, हल्का सा उधर और फेस रखें, सामने भी देखें, तो आपने हमेशा अपनी वो लाइन में रखनी है, ठीक है, और ज़्यादा स्टेयरिंग कट नहीं करनी, और बार बार शीशों का तो लाजमी इस्तेमाल करना होता है, ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड, जब भी आप हल्का सा लेफ्ट राइट टर्न करते हैं मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट साइड पे भी ट्रैफिक आ रही होती है, लेफ्ट पे भी आप बैक से भी देखते हैं, ठीक है, तब जाके आप मूव करते हैं, फिर जब अगर आपने ओवरटेक करना है तो ओवरटेक कहाँ से होता है, यहाँ से नहीं, अपनी आप लेफ्ट साइड में लेफ्ट से आप राइट पे जाते हैं वो ओवरटेक होता है, राइट कैसे ओवरटेक करते हैं, आपके आगे गाड़ी जा रही है, ठीक है, स्लो चल रही है, आपने आपको जल्दी है या आप स्पीड में जा रहे हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, इशारा लगाएंगे, राइट साइड से देखेंगे गाड़ी आ रही है तो आप उस लाइन में नहीं जाएंगे, अपनी लाइन में स्पीड कम कर, और गाड़ी नहीं है तो आपने इशारा लगाकर आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं है एकदम से, ठीक है, आराम आराम से, ठीक हो गया, उसके बाद इशारा बंद करके फिर आप उस लाइन में चलेंगे, ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ओवरटेक करते हैं, ठीक है, अपनी लेफ्ट साइड से राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पे जब आप चल रहे होते हैं तो अपने राइट साइड पे आते हैं तो ओवरटेक, ठीक है, हमेशा राइट साइड पे ओवरटेक हो, राइट साइड पे होता है ना, अब आप लेफ्ट पे चल रहे हैं ना, ठीक है, अब आप चल रहे हैं, आपके आगे जो गाड़ी है स्लो चल रही है, आपने स्पीड में, ठीक है, आप स्पीड से आ रहे हैं, अब आपके राइट साइड पे गाड़ी तो नहीं है, आपने क्या करना है, आप ये नहीं करेंगे सीधा सीधा, अब आप ये नहीं करेंगे कि आप चले रेस रखें, क्लच थोड़ा फ्री क्लच प्रेस करें, अब आप ये नहीं करेंगे कि लेफ्ट का इशारा लगा के यहाँ से स्पीड ऑफ स्पीड, यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं स्लो चल रही होती है, आप राइट साइड से ओवरटेक करें, ठीक है, हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करें, और राइट साइड पे गाड़ी स्लो चल रही हो उसे आप क्या करेंगे, यू स्टिक
उसको पीछे करेंगे मूव करेंगे, लाइट्स ब्लिंक करेंगे, ठीक है। वो आगे वाला जो है वो समझ जाएगा, वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। वो आपको रास्ता दे देगा आगे आप चले चले। क्लच आराम से फेंक दिया जाए, गाड़ी को रुकती है, क्लच प्रेस करें, ब्रेक रेस भी आराम आराम से देनी है और क्लच भी आराम आराम से फ्री करना है, ठीक है। दोनों को बैलेंस रखना है। स्पीड नहीं करनी गाड़ी, ठीक है। आपने लेफ्ट राइट आराम से जोर, इसको आराम से लगाना है, जोर जबरदस्ती इसमें नहीं करनी गियर में। चौथा गियर लगाए, क्लच प्रेस करें, रेस छोड़े, गियर लग गए, चले रेस रखें, क्लच आराम आराम से। राइट साइड से बार बार शीशे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप लेफ्ट राइट होते हैं तो शीशे का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लाइन में लाइन, अब ये लाइन है ये, ठीक है, और ये वाली लाइन है। अब ना ज्यादा इधर होनी चाहिए लेफ्ट साइड ना राइट साइड पे गाड़ी, दरमियान में, ठीक है। और आप हल्का सा लेफ्ट राइट होंगे तो मिरर को इस्तेमाल करके, ठीक है, मिरर से देख कर फिर लेफ्ट राइट और इशारा लगा कर। ये नहीं है कि तुक्का इधर कर दी और उधर कर दी, ठीक है। ये गलियाँ वगैरह नहीं है, ये मेन हाईवे, इधर बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तीसरा गियर लगाएं, आपकी स्पीड स्लो होगी, आप तीसरा गियर, ठीक है, यू कर लो। अब आप 100 की स्पीड कर दें, ठीक है, आपकी स्पीड होगी है 60, अब 40 स्पीड कम होगी, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, अब चौथे गियर पे अगर आप उसको ले ही जाएंगे, समझे, पांचवे गियर पे आपकी 100 की स्पीड से आप चला रहे हैं, अब 60 होगी, अब आप उसको तीसरे पे ले, मैक्सिमम तीसरे पे ना भी लाए तो चौथे पे लें, गेयर आपने डाउन करना है। वो पांचवे पे ही अगर आप उसको चलाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता रेस पकड़ेगी, ठीक है। तो चौथे से ये होगा कि वो एकदम से चलना शुरू कर देगा, जिस तरह आप बाइक तो आपने चलाया, ठीक है, बाइक नहीं चलाया वो, इसीलिए आपको इतना अंदाजा नहीं, पर ये आपको अंदाजा हो रहा होगा। अब चौथा गेयर था वो एकदम से नहीं रेस पकड़ते थे, तीसरे गेयर से साउंड जो होता है ना गाड़ी का साउंड, वहीं से महसूस किया था, वहीं से पता चल जाता है आपको, लेफ्ट साइड राइट साइड टेक, ठीक है। अभी नहीं ओवर टेक ना करें, स्लो हो जाओ, तीसरा गियर लगाना, चल लेफ्ट साइड से ही निकलना, स्लो कर, चल रेस दें। रेस छोड़ कर गेयर लगाना है, क्लच पूरा दबाया, क्लच आप प्रेस करते हैं, रेस थोड़ी सी दी होती है, रेस फुल छोड़ दिया करें, उसको फ्री कर दिया करें, ठीक है। हाँ नहीं अमल भी करना है, हाँ हाँ करके गुजारा नहीं होता, अमल करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। स्टीयरिंग को आप कंट्रोल रखें, आपने हल्का सा इधर होना है शीशे से, मिरर का इस्तेमाल कर, ये नहीं कि उधर देखता ही रहना है, बस थोड़ा सा देख के, गाड़ी नहीं आ रही हल्का से इधर होकर सामने सामने ज़्यादा नज़र रखनी है, उधर भी रखनी है, हर तरफ आपने कंसंट्रेशन रखनी है, ठीक है। आराम से पकड़े लेफ्ट का इशारा करें,
राइट का इशारा लगाएं, मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं आई आ रहे हैं, जैसे कि गाड़ी आ रही है स्लो हो जाओ। गलत। ये कौन सा एरिया आ गया? इसका बोर्ड
जबान नहीं है अभी, ये क्या कहते हैं, खाना पुल से पीछे है ये। अच्छा खाना ईस्ट है। जैया कॉलोनी, सॉरी जैया कॉलोनी, ये खन्ना वेस्ट है, वो खन्ना ईस्ट है। आपको नजर नहीं आ रहा इधर, नहीं इधर बैक साइड से नजर नहीं है, वो शीशा धुंधला है ना नीचे, वो सारी खबस होती है क्या होती है बाप। काफी कुछ कवर कर लिया मैंने कहा, काफी कुछ कवर कर लिया, जो छोटी छोटी गलतियां थी ना वो अब नहीं है, कोशिश करें जल्दी से जल्दी सीखे ठीक है। उसके बाद कोई किसी की गाड़ी लेकर थोड़ा बहुत रोड पे चलाएं ताकि और ज्यादा खास आपका बैठ ठीक है। अभी आपको खुद भी महसूस हो रहा होगा कि मैं थोड़ा बेहतर होगी, लेफ्ट का इशारा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर, नहीं इशारे, ये इंडिकेटर बोलते हैं, इशारे को बोलते हैं इंडिकेटर ठीक है। लेफ्ट होना है तो खब्बे पासे ऐसा, लेफ्ट होना है तो स्लो करें और किसी ब्रेक स्लो करें जाने, ब्रेक वगैरह भी मुझे छोड़ दो ना, वो सारा कुछ आप पे छोड़, स्लो करो, क्लच प्रेस ब्रेक दूसरा गियर, सारा कुछ आप पे नहीं ना छोड़ना होता, इधर इधर लेफ्ट, थोड़ा सा हमने भी कंट्रोल करना होता है ना, सख्ती का कुछ पता नहीं होता, फिर मुझे चलाने का फिर फायदा नहीं, नहीं नहीं आपको, तुम मुझे बताओ कि बस ये करो बस, वो आप कभी कभी नहीं ना करते, देखें मैं आपको बताता हूँ, अब आप बीच में ऐसा करते हैं कि ब्रेक नहीं रखते, अब जंप पे आपने कई बार ब्रेक नहीं रखती रखी, मुझे रखनी पड़ी है, हालांकि मैंने आपको बार बार बोला, पर क्या होता है अभी आप सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं वो आदत सिखाना है। अब देखें अब आपने ब्रेक लेफ्ट का इशारा लगाए, क्लच प्रेस करें राइट से देखकर सामने से, पहला गियर लगाए क्लच प्रेस, ब्रेक छोड़ कर लगाए, अब आप क्लच प्रेस करें ब्रेक रखें आराम से, ब्रेक ज्यादा ना रखें, अब आप ब्रेक नहीं रख रहे थे इंडिकेटर बंद कर, अब मजबूरन मुझे तो रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने गाड़ी को बचाना है आपको भी बचाना है ठीक है, गाड़ी को सेफ रखना है। अब ये देखें आपने सही ब्रेक नहीं रखी गाड़ी,
एकदम से, अब मैंने खुद नहीं रखी आपके, आपने कहा कि मेरे पे छोड़ दो, अब ये नहीं नहीं होता कि कभी बिल्कुल कभी मुझे भी छोड़ा कर रहा। वो तो छोड़ते ही आप देखे, मैंने फ्री किया है ये देखे, फिर आप झटके मार रहे हैं ना दूसरा गेम, लाइक फुल प्रेस रेस छोड़ो। अब साथ साथ आपको बताना तो है, यहाँ पे ज्यादा स्पीड नहीं रखनी, ब्रेक रखें ऐसा ऐसा एकदम से ब्रेक नहीं, पहला गियर लगाएं, गाड़ी आपकी स्लो हो गई है, रेस कम करें, कम कर दें, क्लच ऐसा ऐसा ठीक है, आराम आराम से चलें। अच्छा अभी मैं पाँव कंट्रोल नहीं रख रहा, अब आपने करना है ठीक है, मैं साथ साथ आपको बोलूंगा फिर मैं देखता हूँ आप क्या करते हैं, तीसरा गियर अभी ना लगे कुछ जरूरत नहीं है, आगे जा पा रहे क्लच फुल प्रेस करें, ब्रेक रखें फुल प्रेस करें, ब्रेक रखें, ये देखें ना ये होता है पहला गियर, ऐसा ऐसा क्लच ब्रेक प्रेस, ये देखें ना यहाँ पे आप गलती कर देते हैं, फिर हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा आपको, स्लो करें क्लच प्रेस करें, ब्रेक ऐसा ऐसा रखें, ब्रेक ब्रेक, ये गाड़ी आराम से जंप करें ना, ब्रेक रखनी है, रेस नहीं रखनी जंप पे, ब्रेक रखनी है, और बिल्कुल ही नहीं रोक कर बैठ जाए ना, इतनी गाड़ी चले गए वो आपके टायर जंप तो करें ना, गाड़ी आगे तो हो ना, वो फिर वही बात है, आपने रेस एकदम छोड़ के क्लच प्रेस किया, आपको बताया था जब आप गियर लगाते हैं क्लच को आराम आराम से फ्री करके, साथ में जिस टाइम आप क्लच रेस फ्री कर रहे होते हैं उस टाइम आप क्लच को साथ साथ प्रेस करना होता है ठीक है, एकदम क्लच फिर प्रेस करें और गियर लगे ठीक है, आप ऐसा ऐसा क्लच प्रेस करें, ऐसा ऐसा रेस छोड़ें, ऐसा ऐसा वही बात हुई ना, एकदम से छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना, क्लच प्रेस करें, ब्रेक रखें, ब्रेक रखा करें ना, ब्रेक रखा करें, अभी मैंने आपके सब कुछ छोड़ा, आप क्या करते हैं, क्लच प्रेस करें, ब्रेक रखें, थोड़ा थोड़ा यू ब्रेक थोड़ी सी रखनी होती है, वो हल्का सा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, अब आगे फिर रोड खराब है, क्लच प्रेस करें, ब्रेक रखें, ब्रेक क्लच पूरा दबाएं, पहला गियर चले, क्लच खराब आराम से रेस है थोड़ी सी, अब दूसरा गियर कैसे रखें कि ऐसा ऐसा क्लच प्रेस करें, ऐसा ऐसा रेस छोड़ें, ऐसा ऐसा ये ठीक है, ऐसा ऐसा क्लच एकदम नहीं ना फ्री करना, आराम आराम से उसको छोड़ें, अब आप तीसरा गियर लगाएं, क्लच फुल प्रेस करें, क्लच पूरा दबाएं, पूरा प्रेस करें, ये क्या है ये इस तरह नहीं लगाना, उसको न्यूट्रल करके आराम से, यू जोर उसको नहीं लगाना, आराम से ठीक है,
जब क्यों है इतनी ये फरमाइश क्यों है क्लच प्रेस करें ब्रेक पहला गेयर लगा लें जल्दी से आराम से क्लच आराम से फ्री करें आहिस्ता आहिस्ता रेल में आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी इतनी गर्म क्यों है एसी लगे एसी एसी से तो गाड़ी ठंडी होती है गर्म एसी नहीं हीटर बोलते हैं लेफ्ट का इशारा राइट साइड से देख पहला गेयर लगा हुआ है गाड़ी के साउंड से मैं सोच आगे सामने देख राइट साइड से देख कर सामने भी देख ठीक है सामने क्लच है क्लच आहिस्ता फ्री करें गाड़ी हाँ रेस रखें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेस रखें रेस पे पाँव सही रखें रेस कम करें एसी कहते हैं आप लोग हीटर कहते हैं ना एसी उसको बोलते हैं जो ठंडा करता है जो कूलिंग करता है ठीक है जो ठंडक देता है और हीटर उसको बोलते हैं जो हीट करता है ठीक है पहला गियर लगाएं रेस छोड़ें क्लच प्रेस करें रेस छोड़ कर गाड़ी आपकी बिल्कुल स्लो होगी पहला लगा दो तो फिर भी मेरा हाथ आप पकड़ता है इसलिए पकड़ते हैं ना क्योंकि आप एक तरफ से रेस दी भी होती है आपको बताना पड़ता है रेस छोड़ें क्लच प्रेस करें तब गियर लगाए एक तरफ से आप गलती करते हैं फिर दूसरी तरफ से बताना पड़ता है इधर से लेफ्ट ठीक है स्लो करें यहाँ पे रेस की इतनी ज़रूरत नहीं है ऐसा ऐसा एक तो बारिश हो रही है ऊपर गोल चक्कर है स्लो करें इंडिकेटर बंद करें स्लो करें सीधा करें सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं ठीक है आराम आराम से पहले लेफ्ट साइड से आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड पे चलें ठीक है राइट का इंडिकेटर लगाएं आहिस्ता आहिस्ता राइट साइड से देख कर आराम आराम से नहीं लगे यार पहले गेट लगाया